गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 का ऐसा कुछ पॉइंट्स जो हम लोग स्कूल बनाने के लिए लैंड, क्लासरूम या स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज ध्यान में रखना चाहिए, वो सारा पॉइंट्स डिस्कस हो चुका था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाया जाता है तो वो लाइब्रेरी कैसा होना चाहिए, लाइब्रेरी बनाने के टाइम में क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, देखो, ए लाइब्रेरी मस्ट हैव बुक्स फॉर एवरीवन, यंग चिल्ड्रन, टीचर एंड एडल्ट्स। तो स्कूल में जो लाइब्रेरी होता है वहां पे सबके लिए बुक होना चाहिए, यंग चिल्ड्रन हो, टीचर्स के लिए हो, इसके बाद एडल्ट्स मतलब सभी एज के लोगों के लिए क्या होना चाहिए, बुक्स अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, जिसको जो बुक चाहिए वो रहना चाहिए लाइब्रेरी में। ठीक है, इट शुड बी वेल इक्विप्ड विद कंफर्टेबल फर्नीचर, शेल्व्स, वॉल हैंगिंग्स एटसेट्रा। तो स्कूल में जो लाइब्रेरी होता है वहां पे जो फर्नीचर्स है या बैठने के लिए जहाँ पे बैठ के स्टूडेंट्स पढ़ सके ऐसा फर्नीचर्स अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कंफर्टेबली बैठ के पढ़ ना सकेंगे तो हम लोग मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकेंगे। इसीलिए बोला गया कि स्कूल का लाइब्रेरी में जो फर्नीचर्स है वो कंफर्टेबल होना चाहिए और बुक्स रखने के लिए शेल्फ होना चाहिए, ओपन शेल्फ मतलब हम लोग मतलब इजीली बुक्स को मतलब पा सके ऐसा फैसिलिटीज होना चाहिए लाइब्रेरी में। इट शुड हैव अ वेल क्वालिफाइड लाइब्रेरियन। तो जो लाइब्रेरियन होते हैं वो क्वालिफाइड होना चाहिए, जैसे कि जो क्वालिफिकेशन एक चाहिए होता है लाइब्रेरियन के लिए वो क्वालिफिकेशन के लोगों को ही अपॉइंट करना चाहिए जिसको क्या है बुक्स के बारे में नॉलेज है। सपोज तुम जाके कोई भी बुक्स मांगो तो वो इजीली जान सके कि वो बुक कहाँ पे होगा, वो कौन सा रॉ में होगा, क्या टॉपिक मतलब किसके बारे में वो बुक है। तो इसे सारा बुक्स के बारे में सारा नॉलेज उनको होना चाहिए, ऐसा लोग अपॉइंट करना चाहिए लाइब्रेरियन के लिए। लास्ट है, इट शुड मेंटेन सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो लाइब्रेरी में बहुत कुछ रूल्स रेगुलेशंस माना जाता है एकदम, जैसे कि बुक्स जब हम लोग लेते हैं पढ़ने के लिए लेने के लिए हम लोग को एक रजिस्टर मेंटेन होता है वहाँ पे, वो सारा मेंटेन करना चाहिए। जब हम लोग बुक्स घर में ले जाना चाहते हैं उसके लिए भी लाइब्रेरी कार्ड्स होते हैं, तो कितने दिनों के लिए ले जा रहे हैं, कब रिटर्न करेंगे, ऐसा सारा कुछ मेंटेन करके, रजिस्टर मेंटेन करके ये सारा रूल्स फॉलो करना चाहिए लाइब्रेरी में। और मतलब जब स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे पढ़े तो सारा स्टूडेंट चुप रहे, कोई उसमें नॉइज ना हो, ये सारा ध्यान भी लाइब्रेरी में रखना चाहिए ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स है जो एक लाइब्रेरी में मानना चाहिए। तो ये चार पॉइंट्स है कि एक लाइब्रेरी में क्या क्या रूल्स या क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या लाइब्रेरी। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए होगा साइंस लेबोरेटरी, जहाँ पे साइंस का प्रैक्टिकल वगैरह होता है वो प्रैक्टिकल, ये लाइब्रेरी सॉरी साइंस लेबोरेटरी कैसा होना चाहिए इसका भी कुछ पॉइंट्स है। तो वो पॉइंट्स क्या है देखते हैं। साइंस लेबोरेटरी बनाने के लिए ऐसा क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को माइंड में रखना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट चाहिए होता है जब हम लोग एक साइंस लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं स्कूल में, तो इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट एनी साइड ऑफ द स्कूल बिल्डिंग ए बिट फार फ्रॉम द मेन बिल्डिंग। तो जब ये साइंस का लेबोरेटरी बनाया जाता है जहाँ पे प्रैक्टिकल होता है वो कहाँ पे बनाना, कोई भी एक साइड में बनाना चाहिए बिल्डिंग का, कोई एक साइड में और थोड़ा दूर मेन क्लासरूम या बाकी लाइब्रेरी या बाकी जो स्कूल बिल्डिंग है उससे थोड़ा दूर बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मफुल केमिकल्स होता है, एसिड्स वगैरह रहता है, तो उतने आसानी से किसी के मतलब टच में ना आए ऐसा जगह पे उसको रखना चाहिए। ठीक है, और बहुत केयरफुली ये सब संभालना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू द रूम। तो जहाँ पे प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये सब का पूरा वो होना चाहिए, सप्लाई रहना चाहिए ताकि ये सब यूज करके सारा अच्छे से
से प्रैक्टिकल्स कर पाए, साइंस का जितना भी प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पे करने के लिए जितना भी ये सारा चाहिए, केमिकल्स, गैस, वाटर सप्लाई, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है, द कॉस्टली एंड डेंजरस केमिकल शुड बी केप्ट सेफली इनसाइड द अलमीरा। तो जो जो केमिकल्स महंगा है, कॉस्टली है और डेंजरस, जैसे कि एसिड, एसिड हम लोग के शरीर में या हाथ में गिरने से क्या होता है, जल जाते हैं। इसलिए जिस फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में, जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में जो वो केमिकल्स चाहिए होता है, तो वो सब संभाल के सेफली अलमीरा में रखना चाहिए, ताकि किसी को मतलब इससे कोई हार्म ना हो जाए, ठीक है, और संभाल के यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि A laboratory assistant should be appointed to keep record of the materials and their maintenance and care. तो एक लाइब्रेरी में असिस्टेंट चाहिए होता है, बेयरर भी चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, जो भी इक्विपमेंट्स है, मटेरियल्स है लेबोरेटरी में, ये सबका मेंटेनेंस और प्रॉपर केयर का भी जरूरत होता है। तो एक लेबोरेटरी असिस्टेंट चाहिए होता है जो ये सब मेंटेन और प्रॉपर केयर ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ चार पॉइंट ही दिया गया है, जब एक साइंस लेबोरेटरी बनाना चाहिए तो ये चार पॉइंट मेनली माइंड में रखते हुए साइंस लेबोरेटरी स्कूल में बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये गया लेबोरेटरी का। तो ये हम लोग को मिला साइट और लैंड, स्कूल बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी। ये पांच चीज बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को माइंड में रखना पड़ता है, तो ये पांचों के बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो अच्छे से पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि स्कूल्स में कुछ, जैसे कि हम लोगों को पता चल ही गया है कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स रहता है। फिजिकल रिसोर्स में लैंड, स्कूल बिल्डिंग, क्लासरूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, ये होता है फिजिकल रिसोर्स। नेक्स्ट हम लोगों को मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये सब। और कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होता है स्कूल्स में, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होता है। इक्विपमेंट्स मतलब वहाँ पे सारा फर्नीचर्स वगैरह होगा, अलमीरा, डेस्क, बेंच, मतलब जो सारा है वो सारा होता है इक्विपमेंट्स। एक स्कूल में क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होता है, तो ये कई